फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब पे भी, लोगों से भी। तो पहले ये जानना चाहिए आपको क्या, किस प्रकार के कमेंट मिल रहे हैं आपके फ्रेंड्स से, इंडस्ट्री से, कैसे मिल रहे हैं? तो आज सुबह 11:30 बजे ये सॉन्ग तेरी अदा जो है वो लाइव हुआ यूट्यूब पे, और उसके आते ही मुझे रिएक्शंस आने शुरू हो गए लोगों के, मेरे दोस्तों के, सबके रिएक्शंस आने शुरू हो गए, और सबको वो गाना बहुत अच्छा। उसमें से कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो सच बोलना पसंद करते हैं, तो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने नहीं बोला, तो मुझे तसल्ली थी कि एटलीस्ट अगर इन लोगों ने बोला है कि उनको अच्छा लगा गाना, मतलब सच में अच्छा लगा। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिएक्शंस दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम पीपल ऑन सोशल नेटवर्क, फेसबुक, यू नो, इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो भी मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके सर, तेरी अदा के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, एल्बम किस बारे में है, आप इसमें एक गैंगस्टर का प्ले रोल कर रहे हैं और पहली टाइम हम आपको नेगेटिव रोल में भी देख रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, वैसे मैंने नेगेटिव रोल्स किए हैं लाइफ में, बट मैंने गाने में कभी नेगेटिव नहीं प्ले किया। तो ये मेरा जो है, जो गाना है तेरी अदा, मेरा सोलो सिंगल है और मेरा कमबैक है आफ्टर मोर देन 10 ईयर्स, बिकॉज मैं पहले जब बैंड का हिस्सा था, बैंड ऑफ बॉयज़, तो हम लोगों ने, मैंने उनके साथ एक एल्बम किया था, उसी से मैं सिंगिंग की फील्ड में लॉन्च हुआ था। और उस समय जब वो एल्बम लॉन्च हुआ था तो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और हम लोग ऑलमोस्ट एवरी अदर डे वी वर ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब डूइंग शोज, एंड एक वो बॉयज चार्म था उस समय, और बहुत सारी मेजर फैन फॉलोइंग थी। तो उतनी पॉपुलैरिटी देखने के बाद, इतने सालों के बाद जब मुझे लगा कि मैं वापस आ रहा हूँ एज अ सिंगर प्रोफेशनली, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो शायद मैंने भी पहले नहीं किया, और जो शायद आज की डेट में जो वीडियोज़ या गाने आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसा देखने को ना मिले। इसलिए मैंने इस गाने को बनाने में पहले इसको सोचा, फिर इसको समझा, फिर इसको म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ शेयर किया कॉन्सेप्चुअली, फिर वो गाना क्रिएट होना शुरू हुआ। इस पूरे प्रोसेस में मुझे 1 साल लग गया। 1 साल में ये मैंने पूरा गाना प्रोड्यूस किया है, मेरे ही होम बैनर में, रॉ स्टॉक प्रोडक्शन में मैंने इस गाने को बनाया है, वीडियो को बनाया है, और बहुत सारी मैंने मेहनत करी है इस गाने के पीछे, ताकि मैं इसको जो चीज़ें आज की डेट में देखने को मिल रही हैं उनसे थोड़ा अलग प्रेजेंट कर सकूं, और जिस तरह की क्वालिटी मैं, जिस क्वालिटी का हिस्सा रह चुका हूं ड्यूरिंग माय बैंड, उस क्वालिटी को मैं इफ़ नॉट मोर बट एटलीस्ट एट पार में लेके आ सकूं। तो मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं इस गाने को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रजेंट कर सकूँ विजुअली और ऑडियो वाइज। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप 10 साल बाद वापस आ रहे हैं, आपकी खुद एक ब्रांड बैंड थी, एक बैंड ऑफ बॉयज करके जी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो वो एक जो ब्रांड जिसने 4 गाने लगातार हिट दी थी जी, तो 10 साल बाद ही क्यों आप वापस आ रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि मैंने इसके पीछे कोई भी प्लानिंग नहीं की थी कि जब मैं बैंड में गया था तब भी मेरा बैंड में जाने का कोई प्लान नहीं था। वो भी डेस्टिनी थी कि मैं बैंड का हिस्सा बना, और 3 साल मैंने बहुत पॉपुलैरिटी देखी बैंड के थ्रू, और उसके बाद जब मैंने बैंड से बाहर वापस अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी और उसको परस्यू किया, उसके बाद मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं फिर से सिंगिंग करूँगा, या मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई थॉट कभी आया नहीं। बट बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू सिंग, चाहे वो शौकिया हो, चाहे किसी के घर में बैठ के हो, चाहे अपने लिए हो, आई ऑलवेज़ यूज टू सिंग। आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर बट आई ऑलवेज़ यूज टू सिंग, एंड एवरीबडी यूज टू से कि यार यू सिंग सो वेल, वाई डोंट यू सिंग। तो वो धीरे धीरे करके दिमाग में वो बात बैठी हुई थी, और फिर मैं बैंड में चला गया, बैंड से ऑप्ट आउट किया, उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग कंटिन्यू करी, फिर धीरे धीरे करके ऑल माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टू पुश मी। एवरी टाइम आई वुड यू नो सिट समवेयर किसी भी फ्रेंड के घर पे या कहीं भी बैठ के, तो पीपल यूज टू से कि अरे वो गाना सुना दो यार, ये वाला गाना सुना दो, तो दे यूज टू ट्रीट मी लाइक अ जूक बॉक्स, यू नो। तो
इतने सालों से ये ट्रेडिशन चली रहा था और हर बार मुझे यही सुनने को मिलता था कि वाई आर यू नॉट कमिंग बैक। तो वो सुन सुन के फाइनली मुझे अपने दिमाग को मेंटली ये रेडी करना पड़ा कि यार आई थिंक आई एम बीइंग यू नो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ एंड टू द पीपल हु वॉन्ट मी टू कम बैक एंड लिसन टू मी। तो मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और तब जाके मैंने डिसाइड किया कि चलो लेट अस प्लान अ सोलो सिंगल एंड लेट अस सी व्हाट वी कैन डू इन द फ्यूचर एज अ सिंगर आल्सो। ओके, अपार्ट फ्रॉम सिंगर यू आर आल्सो सुपर्ब एक्टर, सो थैंक यू। हमने देखा कि आजकल के दौर में एक्टर्स लोग अपने ही मूवीज में गाना भी गा रहे हैं जी, तो इन फ्यूचर में आपको देख पाएंगे आपके जो प्ले कर रहे हैं कोई मूवी में उस पे भी आप गाएंगे? 100% मैं, क्योंकि मेरा खुद का प्रोडक्शन है और जैसा मैंने कहा कि मैंने ये गाना भी अपने होम प्रोडक्शन में बनाया है, दिस इज़ माय फर्स्ट होम प्रोडक्शन। तो मेरा अभी इरादा यही है कि मैं आगे फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाला हूँ और दूसरे तो गाएंगे ही गाएंगे, बट डेफिनेटली मैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई ना कोई गाना अपनी फिल्म में गाऊँ डेफिनेटली, और कुछ अच्छा अगर होगा तो आई वुड डेफिनेटली वांट इट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शंस दैट आई विल। ओके, ये एल्बम में आप मल्टीटास्किंग करते हुए देखा जा रहा है, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, लिरिक्स भी है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं जी। सो सबसे ज्यादा रोल आपने कौन सा एंजॉय किया? मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं कौन सा रोल सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं। मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप हर चीज़ जो कला से रिलेटेड है उसको करने में सक्षम हो, स्पेशली एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एज एन एक्टर भी थोड़ा काम कर चुका हूँ, एज अ सिंगर भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ। मैं अपने आप को, इनफैक्ट आई कॉल माई सेल्फ पार्ट टाइम पोएट, तो मैं कुछ पोइट्रीज भी लिखता हूँ, और ये सब चीज़ें कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि व्हेन यू कॉल योरसेल्फ अ पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यू शुड बी एबल टू यू नो डू अ फ्यू थिंग्स योरसेल्फ। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम ब्लेस्ड विद अ फ्यू टैलेंट्स लाइक एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स, and I am able to do everything up to a decent you know level. तो मैं हर चीज़ को as a combination enjoy करता हूँ, कोई भी चीज़ as in कोई solo चीज़ कोई ज़्यादा enjoy कर रहा हूँ, गाना ज़्यादा enjoy कर रहा हूँ या acting ज़्यादा enjoy कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, as a combination I enjoy the experience. ओके, ये एल्बम में एक लास्ट में एक लाइन आता है कि पैसा किसका रिश्तेदार नहीं होता और प्यार कभी वफादार नहीं होता, सो डू यू बिलीव इन दैट? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस चीज़ में विश्वास रखते होंगे। मैंने ये लाइन पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं लिखी, बट डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मैंने सुनी हैं जहाँ पे इस तरह की लाइन या इस तरह का एक्सपीरियंस लोगों ने किया हुआ लाइफ में, और एक बार नहीं बार बार किया हुआ है, कि पैसा किसी का रिश्तेदार नहीं होता, पैसा आनी जानी चीज़ है, ऐसा बोला भी जाता है कि पैसा आज है तो कल नहीं, तो पैसा किसी का रिश्तेदार नहीं होता और प्यार कभी वफादार नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका दिल टूटा है लाइफ में, जिनको बहुत कभी मोहब्बत हुई होगी, प्यार हुआ होगा और बाद में उनका दिल टूटा होगा या उनसे किसी ने बेवफाई की होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइन से रिलेट कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं लिखा है, बाय गॉड्स ग्रेस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट और शायद नहीं भी होगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ। ओके, इसके अलावा बहुत ही जल्द आपको हम 2.0 में भी देखने वाले हैं जी, की मूवी में, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा रजनी सर के साथ, अक्षय सर के साथ? रजनी सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही फिनोमिनल रहा, क्योंकि वो जितने बड़े स्टार हैं, जिस तरह की फेम वो देख चुके हैं और उससे ऊपर उठ चुके हैं, जैसे कि मैंने एक बार ये बात ट्वीट भी करी थी कि इफ़ देर इज़ अ गॉड इन ह्यूमन फॉर्म इट इज़ दिस मैन, और ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सालों की साधना के बाद आदमी के अंदर इतना ठहराव आ सकता है कि वो इतनी बड़ी स्टारडम अचीव कर लेने के बाद भी इतना स्थिर हो
मेंटली मानसिक रूप से इतनी स्थिरता और इतने ग्राउंडेड हैं वो कि उस बात को इमेजिन कर पाना समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे कोई आदमी आम जिंदगी जीते हुए या उनके जैसी जिंदगी जीते हुए कैसे कर सकता है। तो उनके साथ काम करना है एक अपने आप में एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला और बहुत कुछ सुना भी उनसे मैंने उनके एक्सपीरियंस लाइफ के। और उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी किताब भी गिफ्ट करी थी जो मैंने अपने साथ बहुत ही प्यार से रखी हुई है। और बहुत डीपली स्पिरिचुअल हैं वो और मैं भी काफ़ी डीपली स्पिरिचुअल हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ, शिव की भक्ति करता हूँ, तो शायद उनसे मेरा कनेक्शन उस वजह से हुआ था। तो बिकॉज रजनीकांत इज़ ऑल्सो शिव भक्त और बहुत डीपली स्पिरिचुअल हैं, वो साधना करते हैं, साल में 25 दिन वो निकालते हैं जहाँ पे वो जाके मेडिटेट करते हैं। तो ये सब ऐसी वजहें थी जिनकी वजह से उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ। और उनके बारे में मैं जितना बोलूँगा उतना कम होगा, तो मैं यही कहूँगा कि ही इज़ अ मैन हु इज़ एनलाइटेंड और उनके आसपास रहने से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ओके, इसके साथ ही आप कन्नड़ मूवी में भी डेब्यू करने जाने वाले हैं, तो आर यू नर्वस या एक्साइटेड कुछ अगर बता पाए? अभी फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू माई डेब्यू देयर और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी मैं कोई काम करने जा रहा होता हूँ तो मुझे एक अंदर से काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहता है और एक अपना ही क्रिएट किया हुआ चैलेंज दिमाग में आ जाता है मेरे। तो जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे पहले से बेहतर करना है। तो यस, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेरी एक्साइटेड डूइंग। ओके, लास्टली आपको अपने दर्शकों को और आपके फैन को क्या कहना चाहेंगे? मेरे दोस्तों, दर्शकों, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखिए और ये मेरी मेहनत जो है, मेरी लगन है, उसका ये नतीजा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग खूब भर भर के मेरे वीडियो को और मुझे प्यार दीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, खूब सारा लाइक कीजिए और मेरे इस गाने को बहुत 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 सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।